हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 22 मई जो आज का दिन है, आज का करंट अफेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज देख लेते हैं आज के दिन हमारे जो इंडिया में या अंतर्राष्ट्रीय जो भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं खेल से रिलेटेड और भी चीज़ों से रिलेटेड, जो आजकल कोरोना वायरस चल रहा है उससे रिलेटेड कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं जो घटी हैं जो हमारे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं बट जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं यहाँ सिर्फ हम उन्हीं घटनाओं की बात करेंगे, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका SSC हो, MPPSC हो, UPPSC हो, बैंकिंग लेवल का हो, HPSC हो, कुछ भी हो, उससे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप लोगों से। MCQ में रहेगा ये करंट अफेयर, प्लस इसके हम डिटेल भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने हाल ही में, जो कि मई 2020 में, तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से छात्रों तक शिक्षा की पहुंच के लिए समागम शिक्षा कार्यक्रम के तहत उपाय शुरू किए। मतलब आप लोगों को पता है आजकल लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो समागम शिक्षा कार्यक्रम इसके तहत बहुत सारे इससे रिलेटेड और इसी के जैसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो कि बहुत सारे सरकारों ने चलाए हैं। तो ये समागम शिक्षा कार्यक्रम ये किसने चलाया है ये आप लोगों को बताना है। पंजाब ने, उड़ीसा ने, जम्मू कश्मीर या पांडिचेरी ने। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, बाकी मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर ने। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें COVID-19 जो इसके लॉकडाउन चल रहा है जिसके तहत, उसके मद्देनज़र तकनीकी हस्तक्षेप और अन्य व्यवहार साधनों के माध्यम से शिक्षा के लिए पूर्ण पहुंच के साथ छात्रों की सुविधा के लिए समागम शिक्षा कार्यक्रम के तहत उपायों की एक शुरुआत की गई है। मतलब उसी के माध्यम से शिक्षा बच्चों तक पहुँचाई जाएगी, समागम शिक्षा कार्यक्रम, ये जम्मू कश्मीर का कार्यक्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य विधानसभा में 5.12 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। तो यूपी का CM कौन है? चलिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ यूपी के CM है। लेकिन इससे जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में देख लेते हैं। वित्त मंत्री जो है यूपी के, वो है सुरेश कुमार खन्ना, ये आप याद रखेंगे, जिसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश के यूपी सरकार का सबसे बड़ा बजट यहाँ पर पेश किया है, जो कि 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें अनुमान है, ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कितना राजस्व है कितना खर्चा है। तो यहाँ पर 5,558 करोड़ रुपए और 12,302 करोड़ रुपए की यहाँ कमी है। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका राजस्व है, ये पूंजी रसीदें हैं और योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM है यूपी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसने नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी है जिसमें भारत के जो लिपू लेख है, काला पानी है, ओलंपिया धूरा है, इसको शामिल किया गया है। तो ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल? तो चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के मंत्रिमंडल ने लिपुलेख काला पानी और लिम्पिया धुरा को अपने क्षेत्र के तहत दिखाने वाला एक नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकार किया है। भारत और नेपाल के बीच विवाद चल रहा है जिसके बाद भारतीय पक्ष ने 2 नवंबर 2019 को अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था जो भारतीय क्षेत्र में 3 क्षेत्र से ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ब्रिटेन से 2019 के अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये ब्रिटेन का पुरस्कार है, किसको सम्मानित किया गया है? तो अति विंशति, अक्षय कुमार, करमवीर सिंह और विनय वधावर। तो किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया है विनय वधवार को। भारत के नेशनल हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय वधवार
को 2019 के अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पहली बार 2006 में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के एडमिरल्टी अलेक्जेंडर डेम्प्रिल से के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर प्रस्तुत किया गया था। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के किस क्षेत्र ने रेलवे डॉक्टरों की सहायता के लिए रोबोट रेल बोट, जिसे आर बोट भी कहते हैं, विकसित किया है? दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे या पश्चिम रेलवे? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने COVID-19 के प्रकोप के मद्देनजर मरीजों की देखभाल के लिए रोगियों से भोजन बिना शारीरिक संपर्क की आवश्यकता के अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता के लिए एक रोबोट डिवाइस रेल बोट विकसित किया है। ये डॉक्टरों, नर्सों और अन्य सहायक चिकित्सा कर्मचारियों को संक्रमण के जोखिम से दूर रखने में ये सक्षम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए भारत के पहले सर्विस रोबोट्स सोना 1.5 और सोना 0.5 विकसित किया है। यह सिग्मा डेटा, क्लब फर्स्ट, सोलूलैब या क्लिटेक? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है क्लब फर्स्ट। जयपुर जो स्थित कंपनी है 19 क्लब फर्स्ट ने COVID-19 संकट के बीच लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करने के लिए सोना 1.5 और सोना 0.5 नाम से पहला सर्विस रोबोट विकसित किया है। ये रोबोट 95% भारत में बना रीढ़ की तकनीक पर आधारित दुनिया में पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ICC क्रिकेट समिति का प्रमुख है जो, और इसने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। तो ये राहुल द्रविड़ है, कुमार संगकारा है, रिकी पॉन्टिंग है या अनिल कुंबले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अनिल कुंबले। पूर्वी जो भारतीय क्रिकेटर है कमेंटेटर अनिल कुंबले की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट समिति ने COVID-19 महामारी के कारण गेंद को चमकदार बनाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। हालांकि समिति ने गेंद चमक को पसीने के उपयोग को सुरक्षित माना है। चलिए आगे देखते हैं, उभयचरों की प्रजाति की संख्या क्या है जो भारत में प्राणी सर्वेक्षण द्वारा गंभीर रूप से लुप्त प्राय और लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है? मतलब गंभीर रूप से एक लुप्त प्राय है और सिंपल एक लुप्त प्राय है, ये हमें बताना है। तो इनकी संख्या है, ये है 20 और 25, मतलब गंभीर रूप से लुप्त प्राय 20 हैं और लुप्त प्राय जो है वो है 35। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारतीय उभयचरों की चेकलिस्ट को अद्यतन किया है जो कि 20 भारतीय प्रजातियों की सूची है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय है और 35 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो अपनी वेबसाइट पर लुप्त प्राय है। जो वैज्ञानिक KP दिनेश पुणे ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कालीकट से सी राधाकृष्णन के BH चेन्नई, शिवमूर्ति कालीकट, माउंटेन कार्मे कॉलेज और बेंगलुरु से पी दीपक और महेंदेई रिसर्च सेंटर गोवा के निर्देश कुलकर्णी हैं। ये आप याद यहाँ रख सकते हैं। वैसे तो ये नीचे वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी उस देश का नाम बताइए जो दुनिया की आखिरी घुड़सवार सेना को नियमित बख्तरबंद रेजिमेंट में कन्वर्ट करने जा रहा है। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या जापान? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। दुनिया के आखिरी बचे हुए घुड़सवार रेजिमेंट में से रेजिमेंट ये बंद होने वाला है। भारतीय सेना की एकमात्र घुड़सवार रेजिमेंट अपने घोड़ों को अलविदा कहने के लिए तैयार है। सरकार ने 61वीं कैवलरी को टैंकों से लैस करने के प्रस्ताव को मंजूर देते हुए दो वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर ये चीज़ कही है। तो आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर। होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। और हमारी मेंस की सीरीज़ लगातार मैं ऐसे ही चलाती रह रही हूँ, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए आप लोग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।